स्टाइल गिटार सीखना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर रन कर रहा हूँ एक सीरीज जिसमें मैं दे रहा हूँ बिल्कुल आसान फिंगर स्टाइल गिटार के लेसन्स और ट्यूटोरियल्स जो हर कोई कर सकता है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो भी आप इसे आराम से कर पाओगे। आपको करना क्या है, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो म्यूजिक या गिटार से रिलेटेड होगा, जिसका आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स का एक काउंटडाउन दूंगा। अगर 5 सेकेंड्स में आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ सीखते जाना है। तो आज का क्वेश्चन ये है, जब फिंगर स्टाइल म्यूजिक नोटेट होता है तो ये फिंगर्स को हम कौन से अल्फाबेट से नोटेट करते हैं, और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। इस सीरीज के पहले लेसन में मैंने कवर किया था बहुत ही बेसिक फिंगर स्टाइल गिटार का ट्यूटोरियल, और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो वो आपको देखना चाहिए और उसमें जो पैटर्न्स है वो आपको सीखने चाहिए। अगले लेसन में मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही सिंपल और सीक्रेट टेक्निक जिसे यूज करके आप भी इजीली फिंगर स्टाइल गिटार म्यूजिक बना पाओगे, चाहे आप एब्सोल्यूट बिगिनर ही क्यों ना हो। अगर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो इस टेक्निक से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप अपने खुद के फिंगर स्टाइल गिटार सॉन्ग्स इजीली लिख पाओगे। तो अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, लिंक होगा कार्ड में, वो पैटर्न सीखिए, उसे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेसन में जब मैं आपको ये टेक्निक दूंगा तब तक आपके फिंगर्स थोड़े यूज्ड हो जाएंगे प्ले करने के लिए। और ये रहा आज के क्वेश्चन का आंसर, जब फिंगर स्टाइल गिटार म्यूजिक नोटेट किया जाता है तो हम थंब को नोटेट करते हैं विद द लेटर ई, इंडेक्स फिंगर को नोटेट करते हैं विद द लेटर आई, मिडिल फिंगर को नोटेट करते हैं विद द लेटर एम, और रिंग फिंगर को नोटेट करते हैं विद द लेटर ए। तो अगर मुझे कोई पैटर्न नोटेट करना है जो है थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, तो मैं उसे नोटेट करूंगा पी आई एम ए। अगर आपको ये लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको फिंगर स्टाइल गिटार सिखाऊंगा और आपके गिटार प्लेइंग को नए नए लेवल्स पे लेके जाऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में।